तो हम लोगों को मिल चुका है ऑटो, जो कि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पे ले लेंगे स्कूटी, तो और हम इसके अंदर फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं जोधपुर को लोकल स्टाइल के। वहाँ पे एक सीन था, बट वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ जाने नहीं देंगे। कुछ टाइम पहले भी कोई जापनीज लेडी थी, वो बैठी थी, उनका पैर स्लिप हो गया था तो वो नीचे चली गई थी। एक चीज़ नोटिस करी, जो भी है ना सब यहाँ के क्लॉक टावर के सराउंड ही है, यहीं से सब कुछ है। इसको बावली कहते हैं ना भाई, इसको यहाँ पे बावली कहते हैं, पूरा बावली का एरिया है। तो जो भी आपका जितनी भी सारी चीज़ें हैं यहाँ से, आपका फोर्ट का व्यू आ गया, यहाँ से जाओगे आगे हॉस्टल जो सरदार मार्केट कहते हैं, आगे बहुत फेमस है, यहाँ पे वेडिंग शूट्स वाले भी काफ़ी कपल्स आए थे। हाँ, इधर एक क्लॉक टावर की तरफ जो भी है, मतलब सब ये सेंटर है, इससे ही सब आप कहीं जा सकते हो, यहाँ से स्टेशन भी जा सकते हो, पूरी मार्केट भी है इसे। अब देखते हैं कहाँ चलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए। रियल जोधपुर, ये 50 साल पुराने अंकल, वाओ नाइस। तो शाही समोसा, कल तो शाही समोसा खा नहीं पाए, आज शाही और समोसा दोनों को देख लेते हैं। तो ये है यहाँ का सबसे फेमस समोसा वाले भी, यार समोसा ही है यहाँ क्रेजी। समोसा किसके साथ मिलता है भैया? यहाँ मसाला समोसा होता है, एक समोसा समोसा एक समोसा दो समोसे कर दो। समोसे का बताओ कैसा टेस्ट है यहाँ पे, क्रेजी हाय बोलते सबको, जितने लोग हैं अंकल की तरफ सबको हाय भाई। चलते 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 वापस पहुंच गए हम लोग, जब मैं कल आया हुआ था यहाँ पे अंकल के पास आया था, क्रेजी लस्सी पिलाई थी इन लोगों ने मुझे कल, आज वापसी आ गए हम लस्सी पीने के लिए। और ये है लस्सी आ गई, क्रेजी अल्टी वे, पीली लस्सी है वही पीली, यही तो मैंने एक्सप्लोर किया था कि यहाँ पे जो लस्सी है येल्लो है। इसके अंदर येल्लो के लिए कुछ डालते, कलर डालते हो आप लोग? सैफ्रन कलर होता है, केसर का कलर, केसर का कलर, हाँ उसका वैसा आया था, उसका येलो ही आया था। सॉरी विद वाइट बटर देते हैं। कितना टाइम हो गया इस जगह को? 1927 से, वाओ नाइस। तो हम लोगों को मिल चुका है ऑटो, जो कि हम सोच रहे थे कि हम यहाँ पे ले लेंगे स्कूटी, बस हमें मिल गया ऑटो और हम इसके अंदर फुल एक्सप्लोर करने वाले हैं जोधपुर को लोकल स्टाइल। सारी जिम्मेदारी भैया की है, और सारी जिम्मेदारी भैया की है, क्योंकि अंकल ने कह दिया हमें पहले ही कि हमने कहा लेके जाओगे, कह रहे वो मुझ पे छोड़ दो, तुमने जगह बता दी लेके मैं जाऊंगा। अंदर इन लोगों ने हमें अपना पॉट नहीं लेके जाने दिया गोरिल्ला वार्ड, फिर अंदर कुछ कुछ जगह ऐसी भी लिख नहीं, यहाँ तो आप लोग जा ही नहीं सकते। और आज काफी तो बच्चे आए, बहुत जगह से, मतलब पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात, पूरा ग्रुप पे ग्रुप आ रहा होगा, बट यहाँ से व्यू अच्छा है। अंकल आ गए हमारे, अब हम चलते हैं अपनी सफारी में। गाइस अब अपन लोग पहुँच चुके हैं, कौन सी लेक थी यार? कायलाना लेक, यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ जिप लाइन, स्पीड बोर्ड, बोर्डिंग, जेट स्की, सब कुछ है यहाँ पे। और ये हमारे हॉस्टल से हार्डली 10-15 किलोमीटर होगा, ये 10-15 किलोमीटर की ड्यूरेशन होगी। और ये व्यू है यहाँ, लेक बहुत बढ़िया है, ये मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो आप यहाँ पे आके। तो ये सीन है यहाँ, ऐसे बोट्स आप ले सकते हो यहाँ पे। हम यहाँ पे लोगों को एक जेट स्की स्कूटर है, आपको ऐसी जो स्पीड बोट मिल जाएगा, सब कुछ लग्जरी बोट है, मोटर बोट है, हर तरह की बोट सब बोट है। आना है, अपनी वाइब मैच करनी है और निकल जाना है भाई। ये तो हम लोगों ने सोचा अभी बोटिंग तो हम करेंगे तो हम थोड़ा और एक्सप्लोर करके आते हैं जगह को, कि आगे यहाँ पे और क्या क्या है। तो भाई और हम निकल चुके हैं, जैसे कि मंदिर है, ये भाई बात नहीं कर रहा, वो देख रहा पीछे अलग तन्हाइयों के अंदर घूम रहा है। हम चल रहे हैं अब यहाँ पे, देख सकते हो जैसे रेगिस्तान से भाई, जैसे देख रहे रॉ पहाड़ है यहाँ के, मतलब जोधपुर के, जो मतलब रियल जोधपुर है, रॉ यही है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमें छाव की जगह मिल जाए, जहाँ हम थोड़ी देर बैठ जाए, अपनी वाइब लें, म्यूजिक सुने, थोड़ा कुछ खावा लें, जोधपुर का थोड़ा फील ले लें राजस्थानी, और बोटिंग करने के लिए निकल जाए, क्योंकि इस टाइम अभी जो बोट निकली उसमें बहुत भीड़ थी। एक तो संडे को यहाँ पे ना बहुत भीड़ होती है गाइस, बाकी हाँ भाई ये वाइब तो है यहाँ पे, वाइब तो है, वाइब है यहाँ पे नो डाउट। बस ये याद रखना, ठंड में भी आ रहे हो ना तो गर्मी जरूर लगेगी। अभी हम लोग जनवरी में घूम रहे हैं यहाँ पे, गर्मी तो भी लग रही है हमें यहाँ पे। देखते 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 अब हम चढ़ने लग गए हैं पहाड़ों पर, जोधपुर के भी ट्रैक कर दिए यहाँ पे भी स्टार्टअप। तीन लौंडे दिल्ली के मिल गए अनजान, और जोधपुर में कर दिया ट्रैक स्टार्ट। देखो भाई येरी जगह, आ जाओ देख के आना, काटे उधर ये पूरा जो ट्रैक है ना, यहाँ सिर्फ कैक्टस, मतलब ये जो चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, ये एक अलग ही वाइब है यहाँ की। ये देखो, मतलब मैंने लाइफ में इतना बड़ा कैक्टस तो अभी पहली बार ही देखा। ये देखो गाइस, भाई हम निकले हैं अभी, वहाँ पे जस्ट बैठे हुए थे, वहाँ जो ऊपर चढ़ के हम लोग कैक्टस के पेड़ के पास बैठे थे,
अब वापस हम लोग अपना निकल रहे हैं यहाँ से और आगे यहाँ पे ना जो पूरी लेक थी ना उसका ये व्यू है पूरी लेक का। चल रहे हैं सब, हर जगह कैक्टस है यहाँ पे, मतलब एक छोटी सी ट्रेल है, मतलब रोड ही है, ट्रेल भी क्या है, पूरा आगे वहाँ तक जाता है। चलते हैं अब अपना आगे, चलते हैं देखते हैं, बोटिंग वोटिंग करते हैं। यहाँ पे स्पीड बोट है, जेट स्की है, नॉर्मल बोट है और एक अपना जो सबको लेके पूरा मतलब लेके जाती है, जितने टूरिस्ट आए उनको लेके जाती है, तो एक वो बोट है। देखते हैं अभी कौन सी में जाते हैं हम लोग, आगे दिखाता हूँ। हमारे उसके साथ एक और ब्लॉगर हैं, हमारे साथ भी एक और ब्लॉगर है जो अपना ब्लॉग बनाते रह रहे हैं। हम पूरा ग्रुप में चल रहे हैं, बढ़िया है, अपना शूट करते हुए वाइब लेते हुए। ये मैच हो गया कि भाई हम सब कुछ दिखाते हुए जा रहे हैं और देखते हुए जा रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबाना चाहिए। लाल बटन दिख रहा है तो तोड़ दो। यहाँ ऐसा मौसम है कि आप अगर धूप में हो तो बहुत गर्मी लगेगी, छाव में चले जाओ छाव में, हम थोड़ी सी छाव में गए हमें बिल्कुल गर्मी लगनी बंद हो गई यहाँ पे। चलो अब आगे दिखाता हूँ मैं स्पीड बोटिंग की तरफ, मतलब कौन सी करते हैं, हमें कौन सी अवेलेबल होती है। अरे बिल्कुल लगवाएंगे, भैया ने हमसे हेल्प मांगी कि धक्का लगवाओ, हमने कहा बिल्कुल लगाएंगे। 1 2 3 तुमने बहुत जल्दी मार दी अंकल, ये तो बंदे थका दिए, अब नहीं आएंगे हम, अब जा रहे हैं। इससे ज्यादा चल गई थी, हमने दिखा नहीं पाया, वो कट हो गया वो कट हो गया सॉरी, वो दिखा नहीं पाया, बटन में तो चला दी थी गाड़ी, कोशिश तो हमने पूरी करी थी। चलो भाई चलते हैं अब अपना बोट के अंदर, तो कोई नहीं भैया, जैकेट लेते हम चले जाएंगे आराम से। अब हम चलते हैं इस बोट के अंदर, चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसका फन कैसा है भाई। और ये 120 पर पर्सन फॉर दिस बोट राइड। अरे सही फील है यार, जब जेट स्की भी है ये भी कर सकते हो, बाकी उधर भी कुछ बोट्स हैं बट वो तो ख़राब हो चुकी हैं कह रहे हैं, और यहाँ पे होती है जिप लाइन। अभी देखते हैं आगे चल के और क्या क्या व्यू मिल सकता है हमें कैप्चर करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द राइड। क्रेजी फन है यार, बट वो स्लो है, बट इसका क्रेजी फन है, आराम से अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। जोधपुर के अंदर भी ये चीज़ आपको मिल रही है तो इट्स गुड। क्रेजी एक्सपीरियंस हो गए यहाँ पे, मतलब शांति 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 से भाई ने बोरी हमें ना घुमा दी पूरी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके यार, बहुत अच्छा फील हुआ, थोड़ी क्रेजी वाइब आ गई कि हाँ कहीं घूमना है तो यहाँ के आपने एक अलग वाइब ली है। चलो अब चलते हैं बाहर, उतरते हैं उसके बाद देखते हैं आप कहाँ चलना है। यार यहाँ बाहर आके आप अपना यहाँ पे जैसे राजस्थान का सारे चाट पकौड़ी ये सब चीज़ें खा सकते हैं यहाँ पे है, ये जस्ट अपना सामने लेक है उसके बाहर ही है भैया ने बहुत क्रेजी बना दी है। बेल MBA बेल वाले नहीं 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 मजाक कर लो भाई, लो बेल का आओ क्या बात है भैया। ओके भैया जी, लो भाई जिप्सी आ चुके हैं हम लोग, तो जिप्सी की थाली देखते हैं, यहाँ पे कहते हैं बहुत फेमस है राजस्थानी थाली, चलो ठीक कैसी होती है राजस्थानी थाली। नमस्ते जी, वो यहाँ तो बहुत भीड़ है, यहाँ की फेमस राजस्थानी थाली खा के देखते हैं। अब ये सब चटनी है, अभी तक कितने तरीके की होंगी, इमली का चटनी, लहसुन की चटनी, मिर्ची कूटा, धनिया पुदीना मिर्च। इतना कि जिप्सी ला रहे, मुझे लगा शायद ये थार वार पे खिलाएंगे मेरे को, जिप्सी लेके जा रहा है, जिप्सी लेके जा रहा है कि जिप्सी लेके जाऊंगा मैं, जिप्सी में खाना खाएंगे हम बाद में पता लगा ये तो रेस्टोरेंट है, और इनका एक नीचे का भी आउटलेट है, ये इनका सिर्फ थाली सेक्शन का एरिया है, यहाँ पे सिर्फ राजस्थानी थाली मिलेगी आपको, ये है आगे थाली। अंकल तो ये जो थाली है क्या क्या है इसके अंदर? सलाद है, दाल बाटी, थ्री स्वीट चूरमा है, गुलाब जामुन, फरसान में ढोकला है, और चार प्रकार की चटनी है, रायता है, बासुंदी, छोले की सब्जी है, गट्टे की सब्जी है, ये लौकी का सब्जी है, ये पनीर का सब्जी है, दाल एंड कड़ी, आलू गोभी, पराठा है, पूड़ी है, थेपला है, बाजरी का सोगरा है, खीच है, खिचड़ी है, रईस है, पुलाव है, पापड़ है, ये सब सारी चीजें इसके अंदर ही आती है थाली के अंदर। चलिए थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच, यार आनंद आ गया ये थाली खा के तो आज इतने टाइम बाद, मतलब फन आ गया भाई। जिप्सी से अपना लंच करके तो अब आ चुके हैं हम, और अपना वही हॉस्टल की तरफ निकल रहे हैं, अपना आ गए हैं क्लॉक टावर से अंदर वाली गली में, तो मिलते हैं अब
मिलते हैं अगली वीडियो में। अबे हॉस्टल में वापस जग गए यार हम लोग, सो गए थे हम एक घंटे के लिए और अब हम वापस जग गए कि निकल जाते हैं वापस जोधपुर घूमने के लिए। और ये भाई तो पता है क्या कह रखा है, चलो उठ ही जाता हूँ वरना ये नाराज हो जाएगा। थाली थी या स्लीपिंग पिल समझ नहीं आया, स्लीपिंग पिल राजस्थानी थाली खाली थी सबने मिल के। भाई शिकारी सिंह इसने सुलवा दिया भाई सबको। मैंने कहा था रेस्ट कर लो 15 मिनट, भाई एक घंटा हो गया, एक अलार्म भी बजे हैं भाई सोते सोते। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स टू नई जगह इन जोधपुर। तो बहुत क्रेजी है यहाँ की वाइब यार, ये देखो इसको पचेतिया हिल्स कहते हैं, यहीं ऊपर से इसका रास्ता है। राजस्थान के किलों में घुसने वाले हैं हम यहाँ से ऊपर। चलो भाई पचेती हिल्स में सबका स्वागत है। एक क्रेजी व्यू पॉइंट पे जो हम पहुँच चुके हैं, इससे भी अभी और ऊपर जाना है हमने। यहाँ से व्यू देखो, अब ऊपर चलते हैं और अच्छा व्यू चेक करते हैं ऊपर क्या आ रहा है। ये पूरा फोर्ट का एरिया आ गया है यहाँ से अब, और यही है आपका व्यू ट्रेल ऐसे चलते चलते चलते। यहाँ बहुत सारे आपको ना लोकल्स भी दिखेंगे। चलो गाइस यहाँ पे कहते हैं ये व्यू पॉइंट रहेगा पचेतिया हिल्स, यहाँ से सनसेट सनराइज। वहाँ पे एक सीन था बट वहाँ पे कह रहे हैं वहाँ जाने नहीं देंगे। कुछ टाइम पहले भी कोई जापनीज लेडी थी, वो बैठी थी, उनका पैर स्लिप हो गया था तो वो नीचे चली गई थी। बट वो कह रहे हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गई थी, बिकॉज वहाँ पे नीचे कीचड़ था, जब वो गिरी तो थोड़ा सा उसके अंदर रह गई और वो बच गई, लोगों ने बचा लिया। तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर है व्यू पॉइंट मेन, यहाँ से मंदिर के अंदर से। तो गाइस एक व्यू पॉइंट पे पहुँच गए हैं यहाँ पे मंदिर के अंदर। पंडित जी ने कहा कि आप ऊपर आ जाओ, आपको सारे लोग यहाँ पे होंगे जस्ट लाइक दिस, क्रेजी है। इट्स डैम क्रेजी। कैसा लगा फिर आपको ये वाला एक्सपीरियंस जो पचेती हिल पे लोगों ने बताया कि ऊपर आना है? बहुत सही एक्सपीरियंस है, एकदम बढ़िया भाई भाई और पीसफुल है। और यहाँ पे जैसा देख सकते हो सारे घर हैं नीले नीले। पंडित जी ने ना मतलब एक चीज़ तो बताना चाहूँगा, वो सत्य बता देता हूँ मैं इनको। हम ऊपर गए और ये जो गाइस बैठे ना फॉरेनर्स, ये भी ऊपर गए तो इनको ना नीचे भेज रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्यों भेज रहे हैं फॉरेन टूरिस्ट, तो बल्कि ये लोग बुलाएंगे कि आओ भाई। हम गए वो कहते कुछ दोगे नहीं जब तक थोड़ी ना कुछ होगा। मैंने कहा चलो ये चीज़ भी ठीक है भाई। फिर हमने कुछ दक्षिणा दी पंडित जी को, फिर पंडित जी ने कहा आए देखे और फिर उसके बाद हमने देखा जो कि बहुत अच्छा देखा। और ये है यहाँ की वाइब। चलो अब हम लोगों ने देख लिया अपना सनसेट और अब हम निकल रहे हैं वापसी अपना नीचे हॉस्टल वाली मार्केट की तरफ, जो हॉस्टल के पास का एरिया है। रात को भी ना घूमना सही है यहाँ पर, मतलब 8-10 बजे तक अगर आप घूम रहे हो ट्रैवल कर रहे हो इन छोटी छोटी गलियों के अंदर, लाइट्स लगी हुई हैं, आप फोटो वोटो खींचो छोटी छोटी गलियों पर, ये देखो तो वाइब अलग है यहाँ की। एक्सप्लोर आप हर समय करो। और देखो ना आज का मेरा सीन भी क्या हो गया, कोइंसिडेंटली मैं भी ब्लू हूँ आज, ब्लू सिटी के साथ साथ। कहीं भी चले जाओ आप, कहीं भी जोधपुर में चले जाओ, अगर आप इस ड्यूरेशन इनके पास एरिया में रह रहे हो, क्लॉक टावर से बहुत बार सामना हो जाएगा आपका है भाई। हर थोड़ी देर में आप क्लॉक टावर देख लोगे यहाँ पे। तो ये भाई बच्ची है यार, आप रात को घूमो सुबह घूमो, लेकिन इस एरिया में पूरा का पूरा ट्रैफिक रहता है, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर जगह से लोग हैं। मतलब मैंने ये देख लिया सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्राउड आ रहा है, महाराष्ट्र के लोग बहुत आ रहे हैं, गुजरात के बहुत लोग आ रहे हैं। तो एक्सप्लोर करो और वाइब लो यहाँ की राजस्थान की, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं है इस टाइम पे। भाई ऊपर वाला ना सब देख रहा है, ये क्या कर रहे हो बंदे तुम नीचे देख लो। ये लोग नीचे चले गए, जैसे पार्टी हो रही है नीचे चले गए हैं और नीचे बस पार्टी कर रहे हैं फुल पावर। गाइस गुड मॉर्निंग, तो अब चलते हैं वापसी, हॉस्टल से निकलते हैं दिल्ली की ओर। हॉस्टल जोधपुर। गुड मॉर्निंग गाइस, कितना वीरे वीरे चलिए फिर अपा। चलो गाइस निकलते हैं अब आगे, कुछ एक्सप्लोर करते हैं
और वापसी चलते हैं दिल्ली की ओर और कुछ करते हैं ब्रेकफास्ट पहले। इन्होंने मुझे कहा था कि सुबह 6:30 बजे चलते हैं अपना सनराइज देखने के लिए और उठे मैंने उठाए थे और उठे कितने बजे 9 बजे। वापसी थोड़ा ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और थोड़ी देर में उसकी मेरी वापसी की ट्रेन है दिल्ली की, तो वो देखते हैं अब ये रूट कैसा निकलता है कि ट्रेन से रात को मैं चढ़ाया वहाँ से तो दिल्ली से, अब सुबह से देखते हैं कैसा। सुबह होते ही वापसी वही एरिया क्लॉक टावर और वही सामने हमारे भाई जी थे जिनकी हम लस्सी पीते हैं। बार बार जा रहे हैं लस्सी तो सीरियसली बहुत बढ़िया थे, सिर्फ तीसरी बार जा रहा होगा, चौथी थर्ड या फोर्थ टाइम जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे अभी। अरे क्लॉक टावर दिखाते हुए साथ साथ में और ये थर्ड टाइम पहुंच चुके हैं लस्सी पीते हम सुबह सुबह उठ के, मुंह धोया ब्रश करा और लस्सी। चलो भाई अब निकलते हैं, अपना निकल रहा हूँ मैं यहाँ से दिल्ली के लिए, ये भाई आज जा रहा है बॉम्बे तो ये भी निकल रहा है ना, तू आज बॉम्बे निकल रहा है ना, तू ये बॉम्बे निकल रहा है, इसकी भी शाम की ट्रेन है, ये दिल्ली जा रहा है वापसी भाई आ रहा है, तो इन सबसे मिलते हैं भाई वापसी। ठीक है भाई कहीं ना कहीं वापस भाई से मिल के बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा यहाँ तो पहुँच गया हूँ जोधपुर रेलवे स्टेशन पे मैं, अब यहाँ से मेरी है 10:55 की दिल्ली की ट्रेन जो मुझे उतारेगी सराय रोला। चलो गाइस अब ट्रेन में आके बैठ चुका हूँ मैं अपनी सीट पे, आ रहा हूँ मैं यहाँ से घर पे दिल्ली।